गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्या सरकारचं निषेध असो. गुन्हेगारांना अटक झालीच पाहिजे. झाली पाहिजे. गुन्हेगारांना अटक झालीच पाहिजे. झाली पाहिजे. झाली पाहिजे. रेड नेव्ही ऑफिसरला मारहाण झाली असा गुन्हा पोलीस स्टेशनला दाखल आहे. त्यामध्ये 325 आणि रायटिंग सेक्शन्सप्रमाणे एफ आय आर दाखल करण्यात आलेली होती. या एफ आय आरचे इन्ग्रेडियंट्स हे बेलेबल आणि कॉग्निझेबल सेक्शन्स असल्यामुळं त्यांना 6 आरोपींना त्वरित अटक करून त्यांना बेल देण्यात आलेली होती. परंतु आता डेलिगेशन जे आलं त्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यात 326 आणि 452 हे दोन सेक्शन लावावेत अशी मागणी होती. परंतु यात 326 शार्प पेपरनी ज्यावेळेला ग्रेजुएस हर्ड होते त्यावेळेला तो लावला जातो. परंतु 452 घराच्या प्रिमायसेसमध्ये किंवा बिल्डिंगच्या प्रिमायसेसमध्ये जर गेले असतील तर तो सेक्शन लावता येतोय का याची लिगल स्क्रुटिनी करून आम्ही ते सेक्शन्स लावू आणि कायदेशीर इफेक्टिव्ह कारवाई करू. शिवसेना के दो शाखा प्रमुख और बाकी कार्यकर्ताओं ने जो बेरहमी से उनको पीटा उसके खिलाफ हमने कल कंप्लेंट की थी और हमने ये मांग की थी कि ग्रीवियस इंजरी होने के बाद 326 ये कलम लगना चाहिए जो नॉन अवेलेबल है. साथ में ट्रेसपासिंग का कलम लगना चाहिए क्योंकि उनके घर में घुसकर उनको मारा था. आपने जो प्रेशर लाया मीडिया ने और हमने जो प्रेशर लाया उसके कारण रात को उनको अरेस्ट किया. इस प्रकार की लिपापोती का काम उन्होंने किया और आज सुबह 9 बजे के पहले उन सबको टेबल जमानत यानी पुलिस स्टेशन में जमानत देकर उनको रिहा किया. जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में है लेकिन जिन्होंने मारा वो आज रिहा है और वो आज दम देने का काम कर रहे हैं. हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी इनके नेतृत्व में और विपक्ष के विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी इनके नेतृत्व में आज हम यहाँ एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नांगरे जी को मिलने के लिए आए. हमारी ये मांग है कि नॉन अवेलेबल सेक्शंस इनके ऊपर लगने की आवश्यकता है. ट्रेसपासिंग का केस लगना चाहिए साथ में 326 लगना चाहिए. उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में हम सोचेंगे तो वो जब तक सोचेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं.